मैं मनजीत कौर स्वागत करती हूँ तुहाडा सारिआं दा पंजाबी कुकिंग चैनल दे विच। मेरे वल्लों सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। अज आपां फ्रेंच फ्राई बना के तैयार करांगे ते इह फ्रेंच फ्राई जिहड़ी आपां पोहे तों बनाउणे आ। देखो पोहा भी तुसीं लै सकदे हो, जे पोहा ना होवे तां तुसीं चौलां दा आटा भी लै सकदे हो। चौलां दा आटा जिहड़ा बाजार च भी मिल जांदा है ते चौलां दा आटा तुसीं घर च भी चौलां नूं साफ करके जां इक वारी पानी च उहनां नूं कढ के थोड़ा जिहा सुखा के ते उहनां नूं उहदा आटा जिहड़ा घरे मिक्सी दे विच पा के पीस सकदे हो। इहदे वास्ते जिहड़ा बाकी दा समान लिया आ उह वी मैं तुहानूं दस दिंदी हां। ते जिहड़ा पोहा आ असीं इहनूं पहलां थोड़ा जिहा हल्का गर्म पानी पावांगे ते गर्म पानी पा के इहनूं 3-4 मिंट वास्ते छड दांगे ताकि इह थोड़ा जिहा नरम हो जावे, सानूं गुन्नण दे विच फिर आसानी होवे। एक कौली देखो जिहड़ी आपां पोहे दी लई आ, दो उबले हुए आलू आ, दो हरिया मिर्चां बरीक कट्टियां होईआं ते दो चमचे धनिया, अद्धा छोटा चमचा अजवाइन दा, बाकी लून ते आपां मिर्च भी पावांगे, उह जिन्नी कु स्वाद दे हिसाब नाल आपां पाउणी आ उह पा लैणी। हुण आपां लवांगे कोई भी अद्धा खुल्ला भांडा लै लेना, इहदे विच पोहे नूं पा देणा। इह पाणी जिहड़ा मैं थोड़ा जिहा गर्म कीता आ, गर्म पाणी आपां इहदे विच इहदा हत्थ दे नाल छिड़क देणा है। गिला इहनूं कर देना पैन चंगी तरह। गिला करन तों बाद इहनूं 3-4 मिंट वास्ते आपां पए रहिण देना आ। 3-4 मिंट हो गए आ, देखो जदों आपां हत्थ दे नाल इदां इहनूं दबदे आ तां इकदम इह नरम हो गया आ। ते इहदे विच हुण आपां जिहड़े साडे आलू आ इहनां नूं कद्दूकस करके पा लैणा आ। कद्दूकस करके पाउण दे नाल फिर कोई भी मोटा टुकड़ा जिहड़ा आ आलू दा नहीं विच रहेगा, मोटी साइड तों इहनूं तुसीं कद्दूकस कर लैणा है। आलू देखो जिहड़े हो गए साडे कद्दूकस, हुण इहदे विच आपां बाकी दीआं चीज़ां जिहड़ियां आ उह वी मिला देणियां। हरी मिर्च पा देंगे, धनिया, अजवाइन जिहड़ी थोड़ी देर दा हाथ ना मल के फिर पाउंगे, लून पावांगे एक छोटा चमचा, बाकी तुसीं अपने स्वाद दे हिसाब नाल पा सकदे हो, थोड़ी जी पावांगे हल्दी, अद्धा चमचा लाल मिर्च दा, अद्धा चमचा गरम मसाला। हुण जिदा आपां आटा गुंनदे हां इदां इहनूं गुन लैणा है। देखो आटे दे वांगू बिल्कुल आपां इहनूं इदां गुन लिया ते 2-3 मिंट लग जांदे आ इहनूं गुनण वास्ते। हुण इहदे आपां जिहड़े आ फिंगरस आ उह बना के तैयार करने आ। थोड़ा जिहा जिहड़ा तेल आ हत्थ ते लावांगे आपां, इहनूं बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाउणा क्योंकि फिर नहीं तां अंदरों दी फिर कच्चे रहूगे। बेल के हुण एक साइज़ दे आपां कट लैणे आ। हुण इहदी आपां शेप दे देणी आ, आ देखो सारे जिहड़े आपां इहदी बना के तैयार कर लवांगे।
सारे फिंगर्स देखो जिहड़े साडे बण के तैयार आ, इन्हां नूं तेल लाउण दी वैसे जरूरत नहीं पई क्योंकि चिपकदा नहीं इह हत्थां नूं। हुण इन्हां नूं आपां तल के तैयार करांगे। कढ़ाई दे विच आपां तेल पा देना है ते तेल नूं असीं गरम कर लेना। देखो जे तुसीं सरों दा तेल लैंदे हो तां सरों दे तेल नूं पहलां चंगी तरह गरम करके उहदी कुड़त्तन कढ के फिर उहनूं थोड़ा जिहा ठंडा कर लेना है। ठंडा करके फिर उहनूं दुबारे तुसीं अग दे उत्ते रखना है ते इहनूं हुण आपां हल्का जिहा गरम करना। मतलब इह जिहड़े आपां इह फिंगर्स जिहड़े फ्राई आपां करने आ ये बहुत ज्यादा गर्म तेल दे विच नहीं करने क्योंकि इहनूं हल्का जिहा गर्म जिहदा तेल चाहिए जिदा आपां समोसिआं वास्ते तेल नूं गर्म करते हैं ओना क गर्म करना है ताकि अंदर तक यह पूरी तरीके नाल पकण। उपरों यह क्रिस्पी बनूगे ते अंदरों एकदम यह नरम बन के तैयार होगे। तेल जिहड़ा हो गया साडा गर्म एक एक करके आपां पावांगे। एकदम सारिया नहीं पानिया एक एक करके पानिया ते बहुत ज्यादा भी नहीं पानिया। 5-7-10 पा के पहला फ्राई कर लेंगे फिर दूसरे फ्राई करेंगे। दो मिनट देखो इन्हू आप हिलाना नहीं। देखो हम जिदा जिदा सेकते पे है ये उपर आने शुरू हो गया ते दो मिनट बाद इन्हू थोड़ा जि बस इदा हिला देना है। जो लग जाए तो उपर आने शुरू होने लग गए थल्यो फिर इन्हू तुसी हिलाना है। दोनों साइडा तो सेक के तैयार सारे साढ़े जोड़े फ्राइज जोड़े फिंगर फ्राइज तैयार हो गए। फ्राई करने तो बाद इन्हें थोड़े ठंडे कर लेना। आ देखो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बने हैं उपरों दी एकदम कुरकरे अंदरों नरम। आ अंदरों दी एकदम नरम ने ते उपरों एन कुरकरे बने हैं बहुत ही वधिया बन के तैयार होए हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਹੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਬੋਣਾ ਆ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਧੋ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।